काफी अच्छा है ना। हाँ बहुत होरा लगा आपने। माय बेस्ट व्यू कम नहीं है। हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में बिकॉज हम लोग फैमिली के साथ आए सब लोग, तो दो रूम्स लिए हैं जिसमें हम सब लोग एडजस्ट करके रहेंगे। हाँ, और ये वाला रूम जो है इसमें से ना व्यू आता है बाहर कितनी अच्छी, तो ये अच्छी बात है। अभी हम जाते जा रहे हमको पता नहीं कहाँ जाना है रोड के। अभी हम जाते जा रहे हैं, हमको पता नहीं है कहाँ पर जाना है। ये सीधी रोड है बिल्कुल। हम होटल से बाहर निकल गए। नानी कहाँ पर जा रहे हो आप? मैं लंदन। लंदन ब्रो किधर जा रहे हैं? हम लोग अभी रैंडमली यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि खाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया है। और मम्मी को इतनी ठंड लग रही थी कि मम्मी ने यहाँ पे जैकेट पहन लिया, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने इसका जैकेट छोड़ लिया। आपको भी जयपुर दिखा देते हैं। ये क्या है? ये चचोड़ी है। हम लोग कहाँ पे आए? मैं तो बोलता ना, खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये कचौड़ी ना गाइस डिफरेंट अलग है बहुत ज्यादा। हम आए हैं रावत कचौड़ी के पास और यहाँ की कचौड़ी लिटरली डिफरेंट है। हम लोग मुंबई से, हमने सोचा था कचौड़ी मतलब वो अलग वाली है, मुंबई में मिलती है। यहाँ पर कुछ इस तरह की कचौड़ी मिलती है और मुंबई में मिलती है ये कचौड़ी, दही कचौड़ी। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। ये सब मिठाई है, आप लोगों को पता है मुझे मिठाई बहुत पसंद है, तो सिद्धू खरीद के ले रहे। कौन सा बताओ? ये वाला मलाई। आपको? मेरे को पता नहीं। ये वाला गोरी इधर है। अभी हमने यहाँ से लिया मिठाई और कचौरी ट्राई किया, बहुत अच्छा था। हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जगह है ये वाला जो जयपुर का बहुत फेमस है। और अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी हम कुछ खाने जाएंगे। हमने बेसिक ब्रेकफास्ट टाइप में खाया, अभी कुछ मेन कोर्स में खाने जाएंगे। हाँ तो लेट्स गो गाइस। वो होटल वहाँ पे कहने लगा था हम किसी से कम नहीं। नानी को बहुत मजा आ रहा है, नानी 10 साल बाद घूमने निकले हैं। नहीं अभी हम लोग स्ट्रीट में खाना खा रहे हैं। लाइक क्या क्या खा रहे? हमने यहाँ से खाए अभी बटर नान और अब खा रहे हम लोग ये राजमा चावल। और लिटरली जो टेस्ट है प्राइस के हिसाब से, लाइक नान वॉज जस्ट फॉर 40 रुपीज, उसमें 2 नान था ठीक है, और राजमा चावल की क्वांटिटी अच्छी है, मतलब रेस्टोरेंट को भी फील कर दिया स्ट्रीट फूड में। टेस्टी है, बहुत टेस्टी लगा लो कि बहुत टेस्टी ये बना। सो गाइस इतनी ठंडी में ठीक है, मैं हेयर ड्रायर लेके आना भूल गई, तो मुझे याद आया कि अभी धूप है, तो मैं अगर नहा लेती हूँ तो मेरा बाल भी क्या सूख जाएगा। और मुझे लिटरली इतना अच्छा लग रहा है, जब मैं काठमांडू में से नहा के निकलती थी तो हाफ में भी मतलब मैं रहती थी, तो ऐसे लग रहा है कि मैं अपने ऐसे नहा के निकल रही हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा है। और धूप कितना प्यारा धूप है, मुंबई में ऐसी धूप में तो नहीं रह सकती मैं 2 मिनट। प्यारे नहीं है क्योंकि वहाँ पे ठंडी नहीं है। हाँ ठंडी, यहाँ पे भी गर्मी में, यहाँ पे भी बोलते हैं कि गर्मी में बहुत गर्मी होती है। काठमांडू वाला इंसान ऐसे रहता है और एक मुंबई वाला इंसान ऐसे ढका ढुका हुआ रहता है। हाँ क्योंकि इनको ठंडी लग रही है, इनको दिल्ली वाला भी ऐसा रहता है। यार गाइस अभी ना पहन के आयो, देखो ना यार अभी ना शाम को हम लोग बाहर निकलेंगे थोड़ा। अब घूमना तो हम लोग कल से घूमेंगे क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड है और ट्रेन में भी आए, तो इसीलिए बाकी आप लोगों को जो करना है। व्यू चेक करो गाइस, व्यू देखो। रुको 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 रुको, माय बेस्ट व्यू। ये नीचे ना ये पूरा होटल है, बट इधर धूप नहीं है। और इधर हम लोग जिधर है यहाँ पे शायद बन रहा है पीछे, मतलब और बड़ा होटल। हाँ और बड़ा हो रहा है, तो हम लोग इधर धूप आ रही थी, इधर बैठे है। हेलो जयपुर वालों। हाँ अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होके बाहर जा रहे हैं, अभी रेडी
रेडी हो गई हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि फेस बहुत ज्यादा डल दिख रहा था। तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी एक फोर्ट पे। झूठ बोल रहा हूँ। और कुछ खाएंगे भी, ठीक है? सो गाइस लेट्स गो। बहुत ज्यादा ठंडी है हम लोगों के साथ, मतलब मुझे तो नहीं पता था, बट सोचा था कि एकदम गर्मी गर्मी होगा या फिर ठीक ठाक होगा, बट इतनी ठंडी है कि मैं कल से कैसे चार दिन रहूंगी वो सोच रही हूँ, है ना रानी? अभी ठुमका लगाते टाइम में कमर जम जाएगा। बस रूम से निकलते कुछ इस तरह का व्यू है हमारे पास, है ना? ये बहुत हॉरर है, रात में लगता है बहुत खतरनाक। खतरनाक है ही ना, जयपुर है। सो गाइस दिस इज आवर होटल और ये पूरा महल की तरह, और रात में तो इसकी ना रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी आप लोगों को यहाँ पे हम लोग ज्यादा दिख नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो देखते जयपुर में नाइट में क्या एक्सप्लोर करने के लिए है। यस, गाना गाओ। कौन सा गाना गाओ? कोई भी एक गाना गोरी चलन हंस की चाल जमाना दुश्मन है, मेरी उम्र है 16 साल। नारी 16 साल। इधर सिद्धू, इधर राजा। मुझे कुत्ते की आवाज सुन के ठंडी की याद आ रही। ये आपकी आंखों का कलर कितना अच्छा दिख रहा है पता है, फ्लैश में लेंस लगा। नहीं सो गाइस अभी हम लोग ऑटो पे बैठे हैं। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एल्बर्ट हॉल, एक म्यूजियम जहाँ पे नाइट राइड बहुत कुछ होगा। तो हमारे नए, हम जाने वाले कहीं और थे, बट अंकल ने कहा एल्बर्ट हॉल काफी अच्छा है तो जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये सब हम अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ठंडी है, ऐसा मतलब फेस और हाथ तो पूरा ऐसा जम गया है। तो चलते हैं इधर, देखो सृष्टि, हेलो 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 नानी मम्मी चलती थी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एल्बर्ट हॉल पे और नजारा तो काफी अच्छा है ना। हाँ, और ये डॉग को देखते मुझे मेरी सैंडी की याद आ रही है, इधर छोटा सा डॉग इधर पे। चलो लेट्स गो। तो वैसे ना हम लोग एक फोर्ट पे जाने वाले थे घूमने के लिए, बट मोस्टली वो फोर्ट बंद होने वाला था। हाँ। और हमें लगा ये खुला होगा। हाँ। जैसे मैं इधर के ऑटो वाले ने कहा। हाँ। बट ये खुला है ही नहीं एक्चुअली, तो अभी बस बाहर के नजारे का मजा लेकर घर चली जाएगी कुछ खा के। देखो यहाँ पे ब्लॉग जा क्या हो रहा है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है। एक्चुअली ना हम लोग आज घूमने वाले नहीं थे, हम लोगों ने सोचा था कि शाम को बस रेस्ट करेंगे और कुछ खा के बस सो जाएंगे, कल सुबह से घूमना स्टार्ट करेंगे। बट एटलीस्ट हम लोग शाम को मतलब ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं जाते। तो ये हम लोगों ने जो जैसे वीडियो में देखा था वैसा तो है नहीं, एक्चुअली उससे अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। क्या करे यार, स्पेशली ना मुझे इससे भी ज्यादा ना एकदम से ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, जैसे हाथ जम लग रहे, हाथ बहुत जम रहे। और क्या बोलू, कैसा लग रहा है इधर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत जयपुर अच्छा लग रहा है, गिर जाते अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मजा आ रहा है, मजा मजा मजा, बहुत मजा। मुझे लगता है मैं तो नहीं, बट नानी को तो मैं फेमस कर ही रहूंगी। देखो नानी इधर सब लोग हैं, व्यू चेक करो। अभी हम फाइनली पेट भरने के लिए गाइस, फाइनली हम आ गए कुछ खाने के लिए, और ये लोकेशन का नाम है मसाला चौक। हाँ मसाला चौक है, फाइनली कुछ यहाँ पर खाने के लिए आ गए, बहुत गाइस फाइनली हम आ गए यहाँ पर कुछ खाने के लिए। इस जगह का नाम है बताओ ना, मसाला चौक। इस चौक
इस जगह का नाम है मसाला चौक। और यहाँ पे आने का वैसे एंट्री फीस दिया हमसे 10-10 रुपया। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, एक ऐसी सर्कल वाली जगह है जहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीजें, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दाल बाटी चोरमा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इन आवर इन आवर लाइफ, हमारी पूरी फैमिली ये भी। और इधर एक इंसान मिसिंग है, वो उधर ऑर्डर दे रहे। सी यू, बाय बाय। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ना क्या करें, रॉयल थाली। सो गाइस हमने यहाँ का दाल बाटी चोरमा ट्राई किया, लग थोड़ा ख़राब था तो उसका जो टेस्ट था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, फ्रेश फील नहीं होता। फिर हमने ना एक जगह से रॉयल थाली ऑर्डर की और देख सकते हो बहुत कुछ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, और ये भी सिर्फ 160 रुपीज़ का है, और वो दाल बाटी चोरमा ऐसा ही थोड़ा ख़राब सा हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10 और मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतना ज़्यादा, और हम लोगों ने खाना खा लिया है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे होटल, तो जयपुर की पूरी सीरीज आने वाली है हमारे चैनल पे, तो देखना, चेक कर लेना। तो अभी के लिए ब्लॉग इतना ही, डे 1, और कल से दूसरा ब्लॉग। तो बाय 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 बाय।